हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का क्लास सेवेंथ कैंप देख सकते हैं, आपका गणित का पेपर लेके आ चुके हैं जो आपका 24 सितंबर को होने वाला है। ठीक, जो 24 सितंबर को होने वाला है आपका गणित का पेपर, उसका हम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आपके सामने आ चुके हैं। ठीक, आपका जितना भी पिछले एग्जाम हो चुका है आपका अच्छा जा रहा है, कमेंट आपका सभी का देखे हैं, सभी का 50 में 50 मार्क्स सभी सब्जेक्ट में आ रहा है और आपका गणित में भी आपका 50 में 50 मार्क्स आपका 101% आपका आएगा। ठीक, तो आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है तो कमेंट में थैंक्स एक बार जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट में एक बार थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, नए विद्यार्थी कमेंट ही देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि यदि भूमिगत से कुएं की गहराई 47 मीटर हो है तो कुएं की गहराई को प्लस 47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, यहाँ पे प्लस 47 भी लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर कि रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में बचा पानी भाग है, एक बोतल है तो यानी एक पूरा जितना भी भाग होता है, कोई भी भाग होता है, किसी का भी भाग होता है, एक होता है, इसमें से 2/5 पी लिया, 2/5 जो है पी लिया। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा क्या, इसके नीचे एक है तो नीचे 5 आ जाएगा और ये 5 का 5 - 2 इसमें घटेगा तो 3/5, यानी कि 3/5 आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर कि माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के खाली स्थान में होता है, प्रेक्षण के मध्य में होता है। ठीक, प्रेक्षण के जो मध्य में होता है वही उसी को माध्यिका दर्शाता है। ठीक, तो ये आपका रियल पेपर है तो आप पूरा को पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा याद करके जाइएगा, तभी आपका 50 में 50 आएगा। पूरा हमको पेपर देना काम था, पेपर दे दिए और आपको याद करना काम, याद करके ही जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके यहाँ पे कि कोनों का ऐसा जोड़ा जिसकी मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसको कोण कौन कहते हैं, उसको संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण 180 डिग्री होता है और यहाँ पे जो पूरक दिया हुआ है 90 होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसकी खाली स्थान भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो यहाँ पे आपका 3 भुजाओं की माप समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके यहाँ पे कि दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं, आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उसकी भुजाएं समान माप की हो, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो आपका सही हो जाएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि जब दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वे रैखिक युग्म बनाते हैं, तो आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तब तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, तो आपका ये संयोग नहीं होते, आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक, संयोग नहीं हो तो उसका 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है, तो आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, स्तंभ अ को आपको स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि -8 × -6 तो -± + हो जाएगा, 8×6 = 48 हो जाएगा। ठीक, सेकंड आपका है
माइनस 42 प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 42 और 6 48 और चिन्ह माइनस का ही। नेक्स्ट आपके यहाँ पे है कि 3 × 1/4, तो ये आपका हो जाएगा आपके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका 3 बॉक्स है, इसमें से 4 भाग किया हुआ है, 1 भाग कलर है। देख लीजिए 3 बॉक्स है, 4 भाग किया हुआ है और 1 भाग कलर है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वैसे ही एकदम सेम है, 3 × 1/2, देख लीजिए 3 बॉक्स है, 2 बॉक्स किया हुआ है, काटा हुआ है, 2 बॉक्स किया हुआ है, 2 भाग, और उसको 1 कलर किया हुआ है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, देख लीजिए आपका ये 48 डिग्री है, तो आपका एकांतर कोण से ए बी आपका 48 डिग्री ही होगा, ठीक, तो आपका 48 डिग्री आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, 4 का क है कि नीचे दिए गए चित्रों में L पैरेलल M हो तो X का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है, ठीक। तो चलिए आपको इसमें 2 प्रश्न है, इसको बना लीजिए, इसमें आपको 2 प्रश्न है जिसमें से आपको बनाना केवल एक ही प्रश्न है, तो या तो आप ये बना लीजिए या आप ये बना लीजिए। तो सेकंड या में प्रश्न क्या है कि निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देख लीजिए अज्ञात ए बी है, आपका ये ज्ञात है 13 है और ये 12 है, तो आपको इसको बताना है, ए बी को बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है, आपका फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, ये आपका लंब है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं, आपका फॉर्मूला लिख दिए, आपका ए बी बराबर और स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट हो गया, 13 है तो 13 ए सी भर दिए, बी सी 12 तो 12, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 माइनस के तो 22 और 25 का वर्गमूल जो है आपका 5 आ जाएगा, ठीक। तो ए बी का मान क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भर दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ख नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें भी आपको दो प्रश्न है जिसमें से बनाना केवल एक ही प्रश्न को है, तो हम पहला वाला को बनाए हैं, आपको एक ही बनाना है, दो नहीं बनाइएगा, एक ही बनाइएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है, वह दूध को गिलास में रखना चाहती है, प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जा सकता है, उसे कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी। 1.5 लीटर दूध है, 1.5 दूध है, ठीक, और आपको 0.25 लीटर रखना है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट से ऊपर 00 आ गया, पॉइंट से नीचे 10 आ गया, तो 10 से 10 जाएगा और आपको 150 ऊपर है और 25 नीचे है, 25 नीचे बचा, तो 25 से 150 जो 6 बार में जाएगा, तो 6 आपका 6 गिलास आपको चाहिए, 6 गिलास आंसर आपका हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, देख लीजिएगा कि हिंदी में अध्यापिका पांच कमजोर बच्चों का छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में से प्राप्त किए गए अंकों को निम्न रूप में दर्शाती है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का है। तो इसमें भी आपको 2 प्रश्न है, 5 नंबर में आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आम में भी ये प्रश्न है और यहाँ पर भी, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है, तो हम यहाँ पे आपका पहला वाला बनाया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आपको एक क्या करना है, इन आंकड़ों से दोहरे दंड आरेख खींचिए, ये आंकड़ा जो दिया हुआ है इससे आपको दोहरे दंड आरेख खींचना है, विद्यार्थी का नाम दिया हुआ है, अरशद विकास रीना जावेद उषा, छमाही परीक्षा में कितना लाया है ये दिया हुआ है, और आपको वार्षिक परीक्षा में कितना लाया है ये भी आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो पहले मान लिए हैं रेड से जो लिखे हैं वो आपका छमाही है और जो ब्लू से लिखे हैं उसका आपको वार्षिक लिखे हैं, ठीक, एक आपको पैराग्राफ बना लिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ ले लिए हैं परीक्षा में पूर्णांक कितना कितना विद्यार्थी लाया है, ठीक, और यहाँ पे लिए हैं नाम अरशद विकास रीना जावेद उषा। तो देखिए अरशद जो है वो आपको देख लीजिए यहाँ पे रेड से क्या है आपका छमाही,
तो औसत जो है यहाँ पे देख लीजिए, औसत जो है आपका यहाँ पे आपको छमाही में 20 मार्क्स लाया है और वार्षिक में 30 मार्क्स लाया है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, औसत जो है आपका छमाही में 20 मार्क्स और यहाँ पे वार्षिक में 30 मार्क्स लाया है। विकास जो है दोनों में 30-30 लाया है, वार्षिक और द्विवार्षिक दोनों में। ठीक, रीना जो है छमाही में आपका 25 और वार्षिक में आपका 35 लाई है। जावेद आपका 40 लाया है छमाही में और 35 आपका वार्षिक में। और यहाँ पे आपका उषा आपका जो लाई है आपका छमाही में 10 और वार्षिक में 30। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, आपका एकदम सेम टू सेम ऐसा ही उतार दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स 10 में 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, 50 में 50 मार्क्स आपका गणित में भी आ जाएगा, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे भी अपने एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए या अपने सिलेबस के लिए तो इस पर ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे तो आप पूरा सिलेबस भी इस पर कवर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पेपर आपका अच्छा जाएगा कमेंट में एक बार थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, आप सभी लोग को हम बोल रहे हैं। ठीक, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।